नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और यह है मेरा इस हफ्ते का फिल्म रिव्यू मिस्टर एंड मिसेस माही। निखिल मेहरोत्रा लिखी और सरन शर्मा डायरेक्टेड मिस्टर एंड मिसेस माही। कहानी है महेंद्र यानी राजकुमार राव और महिमा यानी जानवी कपूर की। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, मगर एक दूसरे से शादी करने के लिए हाँ भर देते हैं। जानवी कपूर डॉक्टर है, मगर अस्पताल में उसका दिल नहीं लगता। राजकुमार राव अपने पिता के साथ स्पोर्ट्स का सामान बेचते हैं और उनका मन भी दुकान में नहीं लगता, क्योंकि दोनों आर पैशनेट अबाउट क्रिकेट। ये फिल्म देखने की मेरे पास चार ठोस वजह है। एक, ये छोटे शहर की बड़े मुद्दे वाली कहानी है। फिल्म का प्लॉट, ट्रीटमेंट, टेकिंग अनप्रेडिक्टेबल एंड अनयूजुअल। दो, फिल्म की राइटिंग, कैरेक्टर्स, इमोशंस, टोटल नैरेटिव इज कंप्लीटली नेचुरल एंड रिलेटेबल। तीन, कहानी परिवार की है, मगर इसमें सास ससुर बहू किचन ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। द कंसर्न इज अपने आप को ढूंढना। चार, कहानी शादी की भी है और इस बार इश्यू पैसा प्यार या हालात नहीं, थोड़ा सा अभिमान और ढेर सारी खुशियां। मिस्टर एंड मिसेस माही बदलते देश की ऊंची उड़ान है। इट इज अ फिल्म अबाउट आर ड्रीम्स, आर पैशन, आर मेंटल वेलनेस, अ फील गुड फिल्म। सारे परफॉर्मेंसेस न्यूआंस्ड और सच्चे हैं। जरीना वहां छोटे रोल में टोटली इफेक्टिव। कुमुद मिश्रा हमेशा की तरह कोई भी रोल में टर्रिफिक। श्रीकांत के बाद राजकुमार राव एक और चैलेंजिंग रोल में कंसिस्टेंट एंड कन्विंसिंग। और सबसे ऊपर माहिमा की भूमिका में जानवी कपूर दिल छू जाती है। आज अगर श्रीदेवी जिंदा होती तो अपनी बेटी को देखकर फूल ही नहीं समाते। मैं भावना समाया मिस्टर एंड मिसेस माही को बिग रेटिंग्स देती हूं, 4 स्टार्स, जिसमें से 1 स्टार सिर्फ और सिर्फ जानवी कपूर के लिए है। 92.8